हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शिवांगी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिकोड साइंस। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे साइंस बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज सेल। और इस चैप्टर से हमारे CHS एंट्रेंस एग्जाम में मिनिमम 1 to 2 क्वेश्चन हर साल पूछे ही जाते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सेल। ये सेल होता क्या है? ठीक, अगर आप अपने घर को देखें, हाँ, तो आपका घर किससे बना हुआ है? ठीक, अगर आप अपने घर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट देखेंगे तो क्या होगा? वो ब्रिक होगा। ठीक, बहुत सारे ब्रिक मिलके आपका घर बनाए हैं। ठीक, तो जैसे आपके घर का सबसे स्मॉलेस्ट और फंडामेंटल यूनिट ब्रिक है, वैसे ही हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एक सेल है। ठीक, तो सेल क्या है? एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक, सेल हमारा क्या है? बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक, एक साइंटिस्ट थे, हाँ, रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने डिस्कवर द सेल। ठीक, इन्होंने, ये एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप में देखा कि कुछ कंपार्टमेंट लाइक सेल हैं। ठीक, कंपार्टमेंट है, बॉक्सेस लाइक, और इस बाद में उसका नाम इन्होंने क्या रखा? सेल। ठीक, आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो सेल बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बड़ा चैप्टर है, बट हम यहाँ पे सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे काम की चीज़ें हों। ठीक, जिससे हमारा एंट्रेंस क्लियर हो, हम बाकी की चीज़ें बाद में कभी और टाइम मिलेगा तो डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ टू द पॉइंट चल रहे हैं। ठीक, दो साइंटिस्ट थे, स्वीडन एंड स्वान। ठीक, ये दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया था? सेल थ्योरी प्रपोज की थी। क्या दिया हुआ था हमें? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या थी हमारी? सेल थ्योरी क्या थी कि जो एक सेल है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है? बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक, तो ये वाला जो कोट है, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये किसने प्रपोज किया था? दो साइंटिस्ट थे हमारे, स्वीडन एंड स्वान ने। ये क्वेश्चन एग्जाम में हर ऑल्टरनेट ईयर पे रिपीट किया हुआ है कि हु प्रपोज द सेल थ्योरी। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। दो साइंटिस्ट हैं, स्वीडन एंड स्वान, इन्होंने क्या किया था? सेल थ्योरी दिया था। आगे देखते हैं। सेल के कुछ टाइप्स देखते हैं। ठीक, कैसे टाइप्स? कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? ठीक, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल। ठीक, या फिर लॉन्गेस्ट सेल क्या है? लॉन्गेस्ट सेल, या फिर लार्जेस्ट सेल क्या है? लार्जेस्ट सेल कौन सा है? ठीक, जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है उसका क्या नाम है? पीपीएलओ। ठीक, क्या नाम है? पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक, कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट सेल है? पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक, सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है हमारी? नर्व सेल। ठीक,
लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी सेल कौन सी है? हमारी नर्व सेल। और सबसे बड़ी सेल कौन सी है? लंबाई और लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में डिफरेंस होता है, तो लॉन्गेस्ट सेल कौन है? हमारी नर्व सेल। और लार्जेस्ट सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग आगे देखते हैं कि सेल कितने टाइप के होते हैं। ये सेल टाइप नहीं देखना है। अब यहां से हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मेन टॉपिक सेल। ठीक, कि सेल है क्या है? अब देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, यहां पे हम लोग एक एक पॉइंट डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? ये एक आउटर लेयरिंग होती है आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल। ठीक, आउटसाइड द सेल जो हमारे एक लेयरिंग होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, ये क्या होता है? इसका क्या काम होता है? सेल का क्या काम होता है? जो सेल और एनवायरमेंट है उसको सेपरेट करना, टू सेपरेट द सेल फ्रॉम द एनवायरमेंट, फ्रॉम द आउटर एनवायरमेंट, आउटर। जैसे हमारा घर है, हमारे घर की जो चारों तरफ दीवार है वो क्या करती है? वो क्या करती है? एक लेयरिंग का काम कर रही है ना, कि हमारा घर के अंदर जो चीजें हैं वो हमारे एनवायरमेंट में ना जाए, दोनों अलग अलग रहे। ठीक, क्या आपका घर और आपका एनवायरमेंट एक है? वो एक दीवार से, एक वॉल से क्या है? सेपरेट है। ठीक, वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम है? सेल के अंदर की चीजों को अलग रखना बल्कि सेल के एनवायरमेंट से। ठीक, हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या होता है? सेलेक्टिव, सेलेक्टिव परमिएबल, परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि हर चीजें घर के अंदर आए। ठीक, आपका घर है, क्या हर चीज आपके घर के अंदर आती है? नहीं, वो क्या करता है? वो डिसाइड करेगा क्या चीज घर के अंदर रहेंगी और क्या चीजें घर के बाहर रहेंगी। ठीक, सेम वही काम ये करता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो डिसाइड करेगा कौन घर के अंदर रहेगा, कौन घर के बाहर जाएगा। ठीक, जैसे कि ये क्या करेगा? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मूवमेंट इजिली करेगा। ठीक, कि कब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को सेल के अंदर आना है, कब सेल के बाहर जाना है। ठीक, और नोट पॉइंट यहां पे क्या है? जो हमारा ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये डिफ्यूजन के थ्रू सेल के अंदर और बाहर आते जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और वाटर कैसे आता है? थ्रू ऑस्मोसिस, वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। ठीक, मेम्ब्रेन के अंदर मतलब सेल के अंदर आना है या बाहर जाना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं?
थ्रू डिफ्यूजन, और वाटर किसके थ्रू करता है, थ्रू ऑस्मोसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल ये समझिए कि हमारा सेल है, ठीक। तो ये सेल की जो आउटर लेयरिंग है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग किस पे, सेल वॉल पे। नेक्स्ट क्या हम लोग पढ़ेंगे, सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल क्या है, इट इज अ वॉल प्रेजेंट outside the plasma membrane, ठीक। क्या है cell wall, क्या है ये भी एक layering है, ठीक, around the plasma membrane। plasma membrane के बाहर एक wall present है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, cell wall। क्या कह रहे हैं हम लोग इसको, सेल वॉल, ठीक। सेल वॉल का क्या काम होता है, फंक्शन प्रोटेक्शन का, ठीक। सेल वॉल क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक। इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन। अब यहां पे दो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल के बारे में समझने के लिए, ठीक। इट एब्सेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल एब्सेंट इन एनिमल एनिमल सेल। जो हमारा एनिमल सेल होता है, ठीक, उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक। बट सेल वॉल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, सेल वॉल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ठीक। पहला हम ले लेते हैं प्लांट। हमारा सेल वॉल कहां प्रेजेंट है, प्लांट में प्रेजेंट है, फंगी में प्रेजेंट है और बैक्टीरिया में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, सेल वॉल इज एब्सेंट इन, चार ऑप्शन दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि सेल वॉल इसमें से किसमें एब्सेंट है, ठीक। तो जो एनिमल सेल होता है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक। अब सेल वॉल प्रेजेंट किसमें किसमें, हमारे पास प्लांट, फंगी और बैक्टीरिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, जो प्लांट सेल वॉल है वो किस चीज का बना होता है, ठीक। प्लांट सेल किस चीज का बना होता है, तो प्लांट सेल किसका बना होता है, सेलुलोज का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, फंगी का सेल वॉल किसका बना होता है, ठीक, काइटीन का, ठीक। इसको हम लोग क्या प्रोनाउंशिएट करेंगे, काइटीन, ठीक। जो फंगी है उसका सेल वॉल किस चीज का बना होता है, काइटीन का। और जो बैक्टीरिया है, जो हमारा बैक्टीरिया, इसका सेल वॉल किसका बना होता है, पेप्टिडो ग्लाइकन, ठीक। जो बैक्टीरिया है उसका सेल वॉल किसका बना होता है, पेप्टिडो ग्लाइकॉन का, ठीक। तो ये दो तीन पॉइंट है जो सेल के बारे में समझना है। पहला क्या कि सेल वॉल आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक। दूसरा क्या है, सेल वॉल एनिमल में एब्सेंट होता है, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या है, किसमें प्रेजेंट है, प्लांट में, फंगी में और बैक्टीरिया में। प्लांट में सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज का।
फंगी में किसका बना होता है, काइटिन का, और बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन का। ठीक, हम यहाँ पे बहुत इजी तरीके से हर टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, बस आप लोग को इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं पढ़ना है। ठीक, इससे ज़्यादा आप लोग को और कुछ पढ़ना नहीं, और मेन हम पॉइंट वाइज आप लोग को पढ़ा रहे हैं और थ्रू चार्ट आप लोग को समझा रहे हैं, ताकि आप लोग को समझने में बहुत आसानी हो। चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक, साइटोप्लाज्म क्या होता है? ठीक, ये हमारा क्या है, सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक, ये जो फ्लूइड प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, साइटोप्लाज्म। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक, क्या है, फ्लूइड सराउंडिंग बाय, सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म क्या है, एक फ्लूइड है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। आगे देखते हैं, हमारा फोर्थ टॉपिक क्या होने वाला है, हमारा फोर्थ टॉपिक होने वाला है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक, न्यूक्लियस क्या होता है, सेंटर ऑफ द सेल। ठीक, न्यूक्लियस क्या होता है, ये सेल के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारे बॉडी के मेजर डिसीजंस कौन लेते हैं, हमारे ब्रेन, वैसे ही सेल का जो मेजर डिसीजन है वो कौन लेगा, ये न्यूक्लियस लेगा। ठीक, न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम और प्रोटीन। ठीक, क्रोमोसोम और प्रोटीन। ठीक, एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। अब याद कैसे रखेंगे कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी कि रॉबर्ट हुक ने? देखिए, न्यूक्लियस किससे स्टार्ट हो रहा है, एन से। ठीक, तो और रॉबर्ट ब्राउन में भी क्या आ रहा है, एन, मतलब कि न्यूक्लियस, ये थोड़ा सा हिंट टाइप का है कि न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने। चलिए आगे देखते हैं, और न्यूक्लियस के बारे में एक चीज तो हम बताना ही भूल गए, न्यूक्लियस के बारे में कि ये क्या है, डबल मेम्ब्रेनस डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक, और इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहां पे डीएनए है। ठीक, न्यूक्लियस क्या है, एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ठीक, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड एक डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। चलिए आगे देखते हैं, और जो न्यूक्लियस है उसके पास क्या है, डीएनए भी है। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, सेल ऑर्गेनल्स। ठीक, क्या पढ़ने वाले हैं, सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स। ठीक,
सेल है, सेल में कुछ सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। पहला हम लोग क्या पढ़ते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ठीक, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक। और क्या है, ये सेल को क्या फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क मतलब सेल को स्ट्रेंथ कौन देता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, अगर हम अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखें, ठीक, तो ये दो टाइप के हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे दो टाइप के हैं। पहला क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको हम लोग रफ क्यों कहते हैं? ठीक, ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर क्या है, छोटे छोटे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, जिसके वजह से इसका सरफेस क्या हो जाता है, रफ हो जाता है। ठीक, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन। क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। ठीक, तो राइबोसोम का क्या फंक्शन है, प्रोटीन फॉर्मेशन। अब ये जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे क्या है, राइबोसोम एब्सेंट है। ठीक, राइबोसोम एब्सेंट है। ठीक, यहाँ पे क्या है, राइबोसोम्स एब्सेंट। ठीक, और ये किस चीज का फॉर्मेशन करता है, लिपिड फॉर्मेशन। ठीक, राइबोसोम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में क्या होता है, राइबोसोम एब्सेंट होता है, और ये किस चीज का फॉर्मेशन करता है, हमारे लिपिड का और हॉर्मोन्स का। ठीक, लिपिड एंड हॉर्मोन्स। ठीक, ये तो हो गया सेल ऑर्गेनेल में हमारा सबसे पहला, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, इसका मेन क्या फंक्शन है, प्रोडक्शन कर रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक लिपिड और हॉर्मोन का फॉर्मेशन कर रहा है, और रफ एंडोप्लाज्मिक क्या कर रहा है, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग सेकेंड, अपना सेकेंड ऑर्गेनल्स, दैट इज गॉल्गी कॉम्प्लेक्स। क्या देखेंगे हम लोग, सेकेंड गॉल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स क्या है, ये भी एक सेल ऑर्गेनल है। इसको किसने डिस्कवर किया था, साइंटिस्ट कैमिलियो गॉल्गी ने। ठीक, तो इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे इस सेल ऑर्गेनल का नाम हम लोग ने क्या रख दिया, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स को हम लोग एक चीज और कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ठीक,
ट्रैफिक पुलिस का मतलब क्या हुआ, ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, वो सबको डायरेक्शन देता है ना कि तुमको इधर जाना है, तुमको उधर जाना है, तुमको अभी नहीं जाना है, वेट करना है, ठीक। तो वही काम क्या करता है हमारा, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ठीक। ये जो हमारा, अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें, ठीक, ये जो हम स्ट्रक्चर देखें अपना, ठीक, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक, ये क्या है हमारा, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स है, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक। ये हमारा क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस, ठीक। अब देखिए फंक्शन क्या है गॉल्गी कॉम्प्लेक्स का, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग, ठीक। अब जो हमारा प्रोटीन, लिपिड और हार्मोन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्मेशन किया है, मैन्युफैक्चर किया है, अब उन प्रोटीन, लिपिड और हार्मोन का गॉल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, पैकेजिंग करेगा, ठीक। उसको पैकेज करके फिर ट्रांसफर करेगा कि कौन से हार्मोन को कहाँ भेजना है, कौन से प्रोटीन को कहाँ भेजना है, ठीक। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टिंग, ठीक। और आगे हम लोग देखते हैं इसका एक और फंक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ लाइजोजोम्स, ठीक। जो हमारा गॉल्गी कॉम्प्लेक्स है उसका एक और क्या फंक्शन है, कि वो लाइजोजोम्स का फॉर्मेशन करता है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल अपना, दैट इज लाइजोसोम्स, ठीक। ये क्या है, ये भी एक सेल ऑर्गेनेल है, इसको हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग, डिल बैग, ठीक। जैसे हमारे घर में क्या होता है, एक डस्टबिन होता है, ठीक। उसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने घर का जितना भी अनवांटेड चीजें हैं, ठीक, अनवांटेड या फिर फॉरेन पार्टिकल्स जिनकी जरूरत नहीं है, हम उसमें स्टोर करके फिर फेंक देते हैं, ठीक। सेम हम लोग का, हमारा जो सेल है, सेल में जो लाइजोजोम है उसका भी यही काम है, ठीक। लाइजोजोम क्या करता है, हमारे सेल में जितने भी अनवांटेड चीजें हैं, ठीक, चाहे वो कोई भी फूड पार्टिकल हो, कोई बैक्टीरिया हो हमारे बॉडी में एंटर कर गया है, ठीक, या फिर अनवांटेड या हार्मफुल कोई चीज़ें हैं, तो वो किस में स्टोर होती हैं, सेल में, लाइजोजोम्स में जाके, ठीक। जैसे घर का डस्टबिन होता है उसमें अनवांटेड चीज़ें होती हैं, वैसे सेल के पास क्या है, लाइजोजोम्स, वो उसमें सारे हार्मफुल बैक्टीरिया, अनवांटेड चीज़ें, वो सब कहाँ स्टोर होता है, लाइजोजोम में, ठीक। All unwanted and harmful material stored in lysosome. आगे देखते हैं, लाइजोसोम्स के पास ही हम लोग क्यों इकट्ठा करते हैं, कोई भी सेल में अनवांटेड चीजें, तो हम लोग लाइजोसोम्स को ही क्यों देते हैं, ठीक, क्योंकि इसके पास क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम
प्रेजेंट इन इट। ठीक, लाइसोसोम्स में क्या है, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम है, जैसे कि कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया है सेल में एंटर किया तो सेल उसको कहाँ पहुंचा देगा, सेल ऑर्गेनल्स उसको कहाँ तक पहुंचा देंगे, लाइसोसोम में। और लाइसोसोम क्या करेगा, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो उस बैक्टीरिया का क्या करेगा, डाइजेशन, यानी उसको किल कर देगा। ठीक, बट यहाँ से ये समझ में नहीं आया कि लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं। ठीक, सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर सेल में किसी टाइप का डिसबैलेंसिंग हुआ, ठीक, तो लाइसोसोम्स क्या करेगा, बर्स्ट करेगा। बर्स्ट मतलब एक बैग है, वो बैग क्या करेगा, बर्स्ट करेगा, मतलब बैग फट जाएगा। तो उसमें जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम हैं वो तो सिर्फ अनवांटेड चीज़ों को नहीं, उस पूरे सेल को ही क्या करेगी, डाइजेस्ट कर देगी। ठीक, मतलब उस पूरे सेल को ही क्या करेगी, मार देगी। तो डाइजेस्ट, सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, सुसाइड मतलब खुद को मारना। ठीक, तो पर्सनल मतलब खुद जिस सेल में प्रेजेंट है लाइसोसोम, उसी सेल को वो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं हम लोग, सुसाइडल बैग। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, होप दैट आप लोग को मजा आ रहा होगा पढ़ने में। ऑलमोस्ट सारी ही चीजें हम लोग ने कवर की हुई है, मतलब सारे ही पॉइंट्स हम लोग ने कवर कर लिए हैं। आगे देखते हैं, आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का क्या है, वो पावर हाउस है। ठीक, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। और इसके पास क्या है, ओन डीएनए, ठीक। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन से सेल ऑर्गेनेल के पास खुद का डीएनए और वो डबल मेम्ब्रेनस होता है। ठीक, तो कौन कौन से सेल में ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है जो कि डबल मेम्ब्रेनस हो और डीएनए प्रेजेंट हो। पहला तो हम लोग ने क्या पढ़ा था, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी हमारा क्या था, डबल मेम्ब्रेन था और उसमें खुद का डीएनए प्रेजेंट था। सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और उसके पास खुद का डीएनए भी प्रेजेंट है। ठीक, इसी तरह सेम हमारे पास क्या है, प्लास्टिड, हाँ, वो उसके पास भी क्या है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और उसके पास खुद का डीएनए भी है। अब देखिए इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। ठीक, क्योंकि यहां पे क्या होता है, एटीपी फॉर्मेशन, ठीक, क्योंकि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और एटीपी को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी। ठीक, जो एनर्जी का करेंसी है वो क्या है, हमारा एटीपी। और ये एटीपी कहाँ बन रहा है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा हुआ है कि एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, या फिर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं, तो किसको कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लास्टिड,
ठीक, ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कहाँ प्रेजेंट है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है, कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ठीक, जैसे कि सेल वॉल किस में प्रेजेंट था, प्लांट में, सेम प्लास्टिड भी कहाँ प्रेजेंट होगा, प्लांट में। एनिमल सेल में सेल वॉल भी एब्सेंट था और प्लास्टिड भी एब्सेंट रहेगा। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी चीजें एनिमल सेल और प्लांट सेल में, जो कि प्लांट सेल में पाई जाती है और एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। ठीक, ये भी दो टाइप के हैं, एक है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और दूसरा क्या है, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक, इसके पास क्या है, कलर्ड पिगमेंट। क्रोमा मींस क्या होता है, कलर, क्रोमा मींस क्या होता है, कलर। ठीक, तो क्रोमोप्लास्ट है तो मतलब इसके पास क्या होगा, कलर्ड पिगमेंट, कलर्ड पिगमेंट। और ल्यूकोप्लास्ट है तो मतलब इसमें क्या होगा, सिर्फ व्हाइट पिगमेंट, व्हाइट पिगमेंट। ठीक, ये जो क्रोमोप्लास्ट है इसमें एक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ये जो पिगमेंट है इसमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है, ग्रीन कलर पिगमेंट। इस ग्रीन कलर पिगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, क्लोरो, क्लो क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट। ठीक, अब ये जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है ये ही क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। ये इसका क्या फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट का, फोटोसिंथेसिस, फोटो सिंथेसिस। ठीक, फोटोसिंथेसिस, और क्लोरोप्लास्ट के पास भी क्या है, ये डबल मेम्ब्रेन है, क्या है, ये डबल मेम्ब्रेन। ठीक, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है वो भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, और क्या है, और क्या है, डबल मेम्ब्रेन के साथ साथ ओन डीएनए, ओन डीएनए। ठीक, ये हो गया प्लास्टिड की बात। अब आगे देखते हैं हम वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है, होप दैट आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं और एक एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, उसका हर एक पॉइंट डिस्कस करते हुए चल रहे हैं हम लोग। ठीक, हमारे पास सेल में क्या प्रेजेंट है, वैक्यूल्स। ठीक, ये वैक्यूल्स का क्या काम है, ये प्लांट में भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है। एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है। ठीक, अब प्लांट सेल में सेल का 50-90% कवर्ड बाय वैक्यूल, और एनिमल में है बट वो छोटे साइज में वैक्यूल है। अब देखिए क्या है कि हम एनिमल्स अपना फूड टाइम टू टाइम इनटेक करते रहते हैं, लेकिन प्लांट को अपना फूड क्या करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है। वो हम ह्यूमंस की तरह टाइम टू टाइम फूड फॉर्मेशन नहीं कर रहा है या फूड इनटेक नहीं कर रहा है, तो वो कुछ अमाउंट ऑफ फूड को क्या करता है, अपने सेल में स्टोर करता है, और वो फूड कहाँ स्टोर होता है, इस वैक्यूल में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे तो हमारा सेल
कंप्लीट हुआ। बट यहाँ पे एक टॉपिक हम लोग और पढ़ेंगे, सेल डिवीजन। ठीक, क्या पढ़ेंगे? सेल डिवीजन। ठीक, सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन मतलब सेल का डिवाइड होना, ठीक, या फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको चोट लग गई, ठीक, तो देखते हैं कुछ टाइम बाद वो हील होने लगता है, हील हो जाता है। तो वो कैसे हील होता है? कैसे हील होगा? जो उसके अगल बगल की सेल है वो क्या करने लगेंगी? डिवीजन करने लगेंगी। ठीक, मतलब न्यू सेल का फॉर्मेशन करने लगेंगी। और जैसे ही वो न्यू सेल बनेगा, जो आपकी इंजरी है वो क्या होती है? हील हो जाती है। जैसे आप छोटे होंगे, जब आपने बर्थ लिया होगा तो आप बहुत, आपकी साइज छोटी होगी, लेकिन आज आपकी हाइट और वेट क्या हुआ है? बहुत गेन हुआ। तो ये जो हाइट का ग्रोथ हुआ है वो किसके वजह से हुआ है? ड्यू टू सेल डिवीजन। ठीक, कि सेल आप हमेशा रेगुलरली क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है, और जो मैच्योर और ओल्ड सेल है उसको रिमूव कर रही है। ठीक, तो सेल डिवीजन का मतलब क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक, सेल डिवीजन हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है माइटोसिस, माइटोसिस, और दूसरा क्या होता है? मियोसिस। ठीक, ये सेल डिवीजन कब यूज होता है? फॉर सेल ग्रोथ या फिर इंजरी, टू हील इंजरी। ठीक, ये ऑल ओवर द बॉडी होती है, ऑल ओवर द बॉडी जो सेल डिवीजन होता है वो कौन सा होता है? आपके बॉडी में कहीं भी चोट लग गया या कहीं पे भी ग्रोथ हो रहा है, तो वहां पे कौन से टाइप की सेल डिवीजन हो रही है? दैट इज माइटोसिस। ठीक, मियोसिस कहाँ होता है? ओनली ऑकर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक, जो मियोसिस होता है ये सेल डिवीजन कब होता है और कहाँ होता है? ये हमारे बॉडी में सिर्फ और सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो हमारा सेल चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। आपके एग्जाम में इस चैप्टर से जितना हम लोग ने पढ़ा इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक, यहाँ पे दो पॉइंट और डिस्कस करना है, एक बार फिर से डिस्कस कर देते हैं। डबल मेम्ब्रेन एंड डीएनए कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल के पास प्रेजेंट है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ठीक, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डबल मेम्ब्रेन और डीएनए कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल के पास प्रेजेंट है और कौन से ऑर्गेन के पास प्रेजेंट नहीं है। ठीक, तो सिर्फ ये तीन ऑर्गेनेल्स हैं जिनके पास डबल मेम्ब्रेन और डीएनए है। ठीक, कौन कौन सा? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ठीक, एक और पॉइंट रह गया था डिस्कस करने के लिए, दैट इज राइबोसोम्स। ठीक, ये जो हमारा राइबोसोम्स है, ठीक, ये भी दो टाइप के हैं। ठीक, पहला तो है हमारा 70S और दूसरा क्या है? 80S। ये जो दो टाइप के राइबोसोम्स हैं, ठीक, ये जो 70S है ये किस में प्रेजेंट है? प्रोकैरियोट्स में।
और जो ATS है ये किसमें प्रेजेंट है, हमारे यूकैरियोट्स में, ठीक। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा हुआ है कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट है, तो प्रोकैरियोटिक मतलब 70S और यूकैरियोटिक मतलब 80S। चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे CHS में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे CHS में आया हुआ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग DNA इज नॉट फाउंड, ठीक। किसके पास DNA नहीं मिलता है, ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास, न्यूक्लियस, सेकेंड ऑप्शन क्या है, पेरोक्सीसोम, ऑक्सीसोम्स, और क्या है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि इसमें से किसके पास DNA प्रेजेंट नहीं है, ठीक। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था, DNA किसके किसके पास प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के पास, क्लोरोप्लास्ट के पास और माइटोकॉन्ड्रिया के पास, मतलब इन तीनों के पास तो DNA प्रेजेंट है, तो एब्सेंट किस में होगा, पेरोक्सीसोम्स में, ठीक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, पेरोक्सीसोम में क्या है, DNA एब्सेंट है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ कि फंगल सेल वॉल किसका बना होता है, ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, सेल्यूलोज, सेकेंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है हमारा, पेक्टीन, थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ हमारा, काइटीन, और फोर्थ ऑप्शन क्या दिया हुआ है हमारा, लिग्निन, ठीक। अभी जब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फंगल जो सेल वॉल है वो किसका बना होता है, अभी जब हम लोग सेल वॉल डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि एनिमल में सेल एब्सेंट है, प्लांट में सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, और फंगस में सेल वॉल किसका बना होता है हमारा, काइटीन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, काइटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, सेल वॉल प्रेजेंट इन सेल वॉल किस में प्रेजेंट है, ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ है हमें, वायरस, सेकेंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, न्यूक्लियस, थर्ड ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है, एनिमल सेल और फोर्थ ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है, प्लांट सेल, ठीक। तो सेल वॉल इन चारों में किसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है, प्लांट सेल में, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, विच ऑर्गेनेल
विच ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल इज कॉल्ड एज कॉल्ड एज सुसाइड बैग सुसाइड बैग ठीक। ऑप्शन हमें क्या क्या दिए हुए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, सेकेंड ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है, लाइसोसोम, थर्ड ऑप्शन हमें क्या क्या दिया हुआ है, राइबोसोम, और फोर्थ ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है, गॉल्गी बॉडी। ठीक, जब हम लोग सेल क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, कौन से सेल ऑर्गेनेल को हम लोग क्या कहेंगे, सुसाइडल बैग। ठीक, जब अभी हम लोग लाइसोसोम पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था कि लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग। ठीक, वो कभी कभी क्या होता है, लाइसोसोम ब्रस्ट होता है। ठीक, जब पटता है तो वो खुद के ही सेल को क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक, जैसे सुसाइड का मतलब होता है खुद को हार्म पहुंचाना, तो वैसे ही लाइसोसोम क्या करता है, खुद के ही सेल को डाइजेस्ट कर लेता है, इसीलिए लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय, प्रपोज्ड बाय, ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं हमारे, स्वेडन एंड स्वान, स्वेडन एंड स्वान, सेकेंड क्या है, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, थर्ड क्या है, ल्यूवेन हॉक, ल्यूवेन हॉक, और फोर्थ क्या है हमारा, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक, तो हमें क्या पता है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था, सेल थ्योरी को दो साइंटिस्ट ने मिलकर प्रपोज किया था, स्वीडन एंड स्वान ने। ठीक, और वो सेल थ्योरी क्या थी, कि जो एक सेल है वो हमारे लाइफ का बेसिक फंडामेंटल यूनिट है। ठीक, आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। अगर आप लोग को कोई भी क्योरी होगी तो वो आप लोग हमसे कॉमेंट में पूछेगा, मैं आपको उसका सल्यूशन प्रोवाइड करूँगी। ठीक, और अगर आप लोग को मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।